नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन, देश की सामूहिक शक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि। देश में जिस तरह से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, इतने संयम से अपने अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण मना रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नए हिंदी वर्ष पर आपके परिवार जन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। समिति संस्थाओं के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना स्वाभाविक है। देश के राज्यों ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए प्रयास किया है और संभाला भी है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजय कैसे हों, हमारे यहाँ नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं और सभी चर्चाओं में एक बात उभर कर आती है। हर जगह यही बात आती है कि डाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को और 3 मई तक बढ़ाना पड़ेगा। 3 मई तक हम सभी हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह से पालन करना होगा जैसे हम करते आए हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की से दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। अगले एक हफ्ते तक और कठोरता बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र में कोरोना से किसको कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहाँ हॉटस्पॉट नहीं बनने देंगे, जिनके हॉटस्पॉट बदलने की आशंका कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम यदि टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। सरकार की तरफ से कल एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस सीमित छूट का प्रावधान है गरीब भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, जो रोज की कमाई की जरूरत पूरी करते हैं, वही मेरा एक वृहत परिवार है। पीएम मोदी। ये हॉटस्पॉट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न
खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।